अमेजिंगली आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्टल कर्टन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक व्हाइट वाला धागा। व्हाइट वाला धागा मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि क्रिस्टल जो मेरे हैं वो क्रिस्टल बॉल्स वो व्हाइट कलर का है और ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए मैंने व्हाइट कलर का ही लिया है। अगर मैं रेड या कुछ भी कलर लेती तो वो ऑड लगता। और एक बड़ा वाला सुई, ये स्मॉल आकार का क्रिस्टल बॉल, ये आपको 100 ग्राम का 100 रुपीज में मिलेगा। ये इससे बड़े आकार का है, ये भी 100 ग्राम का 100 रुपीज ही मिलेगा। ये थोड़ा बड़ा आकार का, ये थोड़ा छोटा। नेक्स्ट है ये क्रिस्टल पाइप, ये 4 पैकेट लिया है मैंने। एक पैकेट आपको 25 रुपए करके मिलता है, 25 रुपीज। बचपन में हमें क्राफ्ट में बहुत यूज किया है। नेक्स्ट ये लास्ट में, जिसको मैं लास्ट में दूंगी एंड पे, ये वैसे तो ये एक पीस का 4 रुपए है, एक पीस का पर पीस ये 4 रुपए पड़ता है, बट मैंने ये ग्रास में लिया है तो मुझे 100 ग्राम्स का 70 रुपीज लगा था। अगर मैं पीस करके लेती तो मुझे 120 पड़ता, क्योंकि 100 ग्राम में मुझे ये 30 पीस मिला है। ये क्रिस्टल कर्टन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये छोटा वाला बॉल क्रिस्टल वाला ये यूज करेंगे, इसके बाद एक क्रिस्टल पाइप, फिर एक छोटा क्रिस्टल बॉल, फिर एक क्रिस्टल पाइप, क्रिस्टल पाइप, ये बन गया। अब इसके बाद एक क्रिस्टल पाइप और, इसके बाद मैं छोटा वाला यूज नहीं करूंगी, अब मैं बड़ा वाला क्रिस्टल यूज करूंगी। इसके बाद एक क्रिस्टल पाइप, फिर अब इसके बाद ये बड़ा वाला क्रिस्टल बॉल, और अब इसके बाद एक छोटा वाला क्रिस्टल बॉल लेके ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि ये एंड है तो बीच पे मैं 2 मीडियम आकार वाला बड़े साइज वाला क्रिस्टल बॉल दूंगी, साइड साइड पे मैं छोटा वाला क्रिस्टल बॉल दूंगी। अब ये यहां से मैं सुई खोलूंगी, ये लगाऊंगी लास्ट पे एंड पे। जैसे गांठ बांध लेना है ताकि खुले ना, और हमें धागा जो है थोड़ा बहुत थिक वाला, मीडियम नहीं यूज करना, थिक वाला था, ज्यादा मोटा वाला यूज करना ताकि ये भार संभाल सके क्रिस्टल का। ये हो गया, यहाँ से मैं बाद में कट करूंगी, ये जो एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है इसे मैं बाद में कट करूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया एंड, ये जो एक्स्ट्रा धागा निकला इसको मैं बाद में कट करूंगी। ये आपका एंड वाला साइज हो गया और ये आपका फर्स्ट वाला। तो ये इतना धागा छोड़ के मैं कट करूंगी ताकि इसे अब आएगा इस पेंसिल का यूज, ताकि मैं इसे यहाँ बांध सकूँ, ताकि मैं इसे जब भी रखूँ कहीं भी तो ये खुले ना, मैं यहाँ बांधूंगी। टेम्पररी में बांध रही हूँ इसे ताकि मैं और भी इसकी ड्रेस बनाऊँ तो ये सेफ खुली रहे यहाँ पे, इस तरीके से। ये मैंने इतने सारे बना लिए हैं, मैंने इसको यहाँ इकट्ठा कर लिया है ताकि ये सेफ रहे, यहाँ बांध रखा है मैंने। आपको साइज छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ पे देखिए, इस पे मैंने 3 दिए, इस पे मैंने 4 दिए हैं, इस वाले पे मैंने एक ही मोती दिया है, ये क्रिस्टल बॉल मैंने एक ही दिया है यहाँ पे। उस तरह अगर आपको साइज एडजस्ट करना है तो आप क्रिस्टल पाइप को भी छोटा कर सकते हैं। ये इस आकार का आता है, मैंने इसे छोटा किया, फिर मैंने यूज किया है।
आपको क्रिस्टल कर्टन बनाने के लिए सबसे मीडियम वाला जो आप जिसको बीच पे रखोगे उसे छोटा रखना है। उसके बाद जो आप साइड साइड पे दोगे वो दो बनाना पेयर, उसके बाद आप साइड पे दोगे उसको भी पेयर पे बनाना है। लाइक जैसे आप मीडियम वाला 3 सेंटीमीटर रखते हो सबसे बीच वाला, तो उसके साइड वाला आपको 4 सेंटीमीटर रखना है, दो पेयर बनाना है 4-4 का। उसके बाद फिर आपको 5 का पेयर बनाना है, 5-5 का। उसके बाद फिर आपको 6-6 का पेयर बनाना है। तो ये मैंने इतने सारे बना लिए हैं। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कुछ देर में। अब ऐसे बीच बीच में मैंने इसे सिल लिया है और ये ऊपर वाले साइड पे मैं एक सिलाई दे दूंगी, स्टिचिंग कर दूंगी यहाँ पे। ये हो गया है मेरा कर्टन्स रेडी, क्रिस्टल कर्टन्स। इसको मैं इस ऊपर वाले सेक्शन पे लगाऊंगी। इसको मैंने वायर पे ऐसे लगा दिया है। सो गाइस, फाइनली हमारा क्रिस्टल कर्टन्स रेडी हो चुका है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा।